हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। स्टूडेंट, आज की क्लास में लोग जानेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो गाइस, पहले हम लोग जानेंगे असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनवाचक वाक्य, अर्थात असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आइए ये क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे, जानते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कोई सामान्य बात का वर्णन होता हो, इस तरह के वाक्य को कथनवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों कहे जा सकते हैं। याद रखिए गाइस, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। एक को हम सकारात्मक तरीके से कह सकते हैं और दूसरे को हम नकारात्मक तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है, हिमानी मेरी बहन है, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, हिमानी इज़ माय सिस्टर। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। रानी बाज़ार जा रही है, रानी इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। हम इसी को निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाकर बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, फिर भी आप उसको ओवरली समझ सकते हैं। जैसे हिमानी मेरी बहन है, हिमानी इज़ माय सिस्टर, हम चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं हिमानी मेरी बहन नहीं है, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ हम लोग लगा सकते हैं नहीं है, तो हो जाएगा हिमानी इज़ नॉट माय सिस्टर। इज़ दैट क्लियर, हिमानी इज़ नॉट माय सिस्टर। उसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पर आई डू नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डो नॉट गो टू स्कूल, आई डो नॉट गो टू स्कूल। उसी प्रकार से थर्ड है, तीसरा देखिएगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे रानी बाज़ार जा रही है, रानी इज़ गोइंग टू मार्केट, हम लोग इसको बना सकते हैं रानी बाज़ार नहीं जा रही है, तो रानी इज़ यहाँ पर नॉट लगा देंगे, रानी इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट। इज़ दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस होगा हमारा इंग्लिश सेंटेंसेज में, दूसरा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी को या किसी से प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, और इसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों कहे जा सकते हैं। हम पूछ सकते हैं क्या आपका नाम सोहन है, क्या आपका नाम सोहन नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड टाइप या हेल्पिंग वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी अफर्मेटिव में हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं। आई एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आप कहाँ जा रहे हो, इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा है, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तीसरा है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। देखिए सब में, सब के लास्ट में क्या लगा है, सब के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सभी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। उसी प्रकार से तीसरा काइंड ऑफ सेंटेंस में आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य भी कहते हैं। गाइज, ऐसे वाक्य जिसमें कहे वाक्य का अर्थ आज्ञा, प्रार्थना, आदेश आदि को व्यक्त करता है, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कहा जाने वाला वाक्य का अर्थ आज्ञा प्रकट करता हो, प्रार्थना प्रकट करता हो, आदेश प्रकट करता हो, सुझाव प्रकट करता हो, प्रस्ताव प्रकट करता हो, तो ऐसे वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य या प्रार्थना सूचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें कही जा सकती हैं। इम्परेटिव सेंटेंस से भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें कही जा सकती है। जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे हेल्प एवरीबडी, हेल्प प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ डोंट हेल्प मी, या डोंट हेल्प मी प्लीज़, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ना। गो देयर, डोंट गो देयर, कम हीयर, डोंट कम हीयर, स्टैंड अप, डोंट स्टैंड अप, इस प्रकार से हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ से बाहर जाओ, ये क्या लग रहा है, एक प्रकार से आदेश लग रहा है, गो आउट ऑफ हियर,
या गेट आउट ऑफ हियर, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ये ऑर्डर लग रहा है ना, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ये भी आदेश लग रहा है, यू हैव टू गो टू स्कूल, उसी प्रकार से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट लग रहा है, यू शुड गो फ्रॉम हियर, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यू शुड गो फ्रॉम हियर। तो इसी प्रकार से गाइस चौथा टाइप का सेंटेंस होता है, चौथा नंबर का काइंड ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे तो खुशी होना, दुखी होना, हैरानी प्रकट करना, डरना, धमकाना आदि इस तरह के वाक्य व्यक्त करते हैं, वे सारे वाक्य विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें हम किसी को धमकी दे सकते हैं, जिसमें हम कोई चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, अत्यधिक खुश हो सकते हैं, अधिक दुखी हो सकते हैं, ब्रावो, हुर्रे, वाओ, एलॉस, फाई फाई, ये सारी चीज़ें विस्मय बोधक वाक्यों में आती है। सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसे वाह क्या सुंदर लड़की है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल है, क्या बकवास है, व्हाट रबिश। और याद रखिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब इंटरजेक्शन दिया होता है तो वहाँ पे तो वर्ड के लास्ट में ही एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, लेकिन जब कोई सेंटेंस वाओ या फिर क्या कहते हैं, हाँ वाओ, ये व्हाट से शुरू होता है या हाउ से शुरू होता है, तो वहाँ पर हम सेंटेंस के लास्ट में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इसी प्रकार से हालांकि पांचवें प्रकार का भी एक सेंटेंस होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस नाम दे सकते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। पाँचवें नंबर में हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य, इंग्लिश हिंदी में बोलें तो इसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कह सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, हम लोग विश कर सकते हैं या हम लोग कर्स कर सकते हैं, किसी को शुभकामना दे सकते हैं या किसी को बद्दुआ दे सकते हैं। अगर हम शुभकामना देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, हम लोग बोल सकते हैं गुड नून, गुड नाइट, हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे, हम लोग बोल सकते हैं मे गॉड हेल्प यू, हम लोग बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट, हम लोग बोल सकते हैं मे यू गेट फर्स्ट पोजिशन इन योर क्लास, ये विश हो गया। हम कर्स के लिए बोल सकते हैं गो टू हेल, इस प्रकार से हम लोग कई सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। इच्छा हमारी होती है ना, जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग, शुभकामना दे रहे हैं ना, शुभ सुप्रभात, शुभ रात्रि, हाँ इस प्रकार से हमने किसी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, हमने किसी को कंग्रेचुलेशंस बोल दिया, तो शुभकामना हो गई ना। ये सारे सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में गाइस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसी प्रकार के नए नए टॉपिक्स की शॉर्ट टर्म में या थोड़े समय में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।